उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण से जुड़े एक मामले में मंगलवार को पक्षकार के रूप में ठाकुर केशव देव अदालत में हाजिर हुए। सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायाधीश ने इस पर श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे को लड्डू गोपाल यानी ठाकुर केशव देव जी को आगे से अदालत में ना लाने को कहा है। पक्षकार ने अदालत को बताया कि पिछली तारीख पर पक्षकार संख्या 6 ठाकुर केशव जी को अदालत में अनुपस्थित दिखाया था, इसलिए वो लड्डू गोपाल को यहाँ लेकर आए हैं। उन्होंने अदालत से ईदगाह की अमीन रिपोर्ट मंगवाने की मांग की। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे सहित 4 अन्य के द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीजन में श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया गया है। याचिका में बताया गया है कि ईदगाह भी इसी जमीन पर मौजूद है। मंगलवार को अदालत में जैसे ही पक्षकार लड्डू गोपाल को लेकर पहुंचे, न्यायाधीश रुचि तिवारी ने पूछा, भगवान को अदालत में क्यों लाए हैं? इस पर आशुतोष पांडे ने बताया कि विगत तारीख को अदालत ने वादी संख्या 6 जिस पर ठाकुर केशव देव हैं उनको अनुपस्थित दिखाया था, इसलिए वो इन्हें यहाँ लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि अदालत में उनके द्वारा ईदगाह की अमीन रिपोर्ट की मांग की गई है। विगत तारीख को वो लिखित बहस अदालत में दे चुके हैं। ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि केस से संबंधित कोई नकल उन्हें अभी नहीं दी गई है। अदालत से उन्हें केस की नकल दिलवाने की मांग की है। हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गए ढांचा बताता है और इस जमीन पर भी दावा किया गया है। हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और ये जमीन भी श्री कृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है।